आजम खान को 3 साल की सजा। हेट स्पीच मामले में नप गए आजम, अब करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चाओं में क्यों छाए आजम खान? कितने रईस हैं सपा नेता आजम खान? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुसीबत बढ़ गई है। हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका मिला है। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुना दी है। मामला 2019 में आम चुनाव के दौरान पीएम मोदी और रामपुर के डीएम के खिलाफ हेट स्पीच देने से जुड़ा है। इस मामले में धारा 153A के तहत अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। अब जबकि उन्हें 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है तो उनकी विधायकी पर भी अब तलवार लटक गई है। ऐसे में आजम खान अचानक चर्चाओं में छा गए हैं। उनकी संपत्तियों को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है। इनके परिवार पर भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिकंजा कसा हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले और सपा के कद्दावर चेहरे आजम खान कितनी संपत्तियों के मालिक हैं। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक आजम खान के पास कुल 6,14,75,680 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 2,93,21,676 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 3,26,71,000 रुपए की अचल संपत्ति है। आजम खान के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2022 में चुनावी नामांकन दाखिल करने तक इनके और इनकी पत्नी के पास कुल 35,450 रुपए कैश था, जबकि इनके और परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट्स में कुल 2,30,66,226 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब संभावित घटत या बढ़त भी संभव है। आजम खान की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनके और इनकी पत्नी ने शेयर्स या डिविडेंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। 2022 में नामांकन भरने तक इनके पास कोई NSS पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट भी नहीं था, जबकि इनके पास कोई बीमा पॉलिसी भी नहीं है। आजम खान की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर कोई रकम नहीं दी गई है। इनके असलहे की बात करें तो आजम खान के पास कुल 80,000 कीमत के 2 हथियार हैं, जिसकी कीमत 30,000 रुपए बताई गई थी, जबकि राइफल की कीमत 20,000 रुपए बताई गई है। वहीं अगर आजम खान और उनकी पत्नी की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके पास कुल 8,80,000 रुपए मूल्य के सोने और चांदी की ज्वेलरी है। वर्तमान में इसके मार्केट वैल्यू में बढ़त या घटत भी संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो आजम खान के पास 2 गाड़ियां हैं, जिनकी कुल कीमत हलफनामे में 52,60,000 रुपए बताई गई थी। आजम खान की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके पास 64,21,000 रुपए मूल्य की खेतीहर भूमि है, जबकि इनके पास 16,25,000 रुपए मूल्य की गैर खेतीहर भूमि भी है। आजम के नाम से कई आवासीय इमारतें भी हैं, जिनकी कुल कीमत 46,25,000 रुपए बताई गई थी। वहीं इनकी अलग अलग कमर्शियल बिल्डिंग्स की कुल कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2022 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं थी। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। कुछ महीने पहले ही वे सीतापुर जेल से बाहर आए थे, जहां वे 27 फरवरी 2020 से ही बंद थे। 2022 के हलफनामे के मुताबिक उन पर 87 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में उन पर कुल दर्ज मुकदमों की संख्या बढ़कर 103 हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।